अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी वो स्टार्ट की है, तो आज का ये जो लेक्चर है इस पे हम सेकेंड टाइप ऑफ यानी सेकेंड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो है उसके हवाले से हम ये भी देखेंगे कि एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, इस तरीके से होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में क्या डिफरेंस है, और उनकी एग्जांपल्स को भी इसी लेक्चर में हमने वाइंड अप करना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वी विल डिस्कस अबाउट द साइक्लिक कंपाउंड्स और द क्लोज चेन कंपाउंड्स, तो डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, उसकी एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम फर्दर आगे मूव करेंगे। सो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रो कार्बन, ठीक है जी, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं इसको हमने डिस्कस करना है। हम ये बात कहते हैं कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन हैं कि जिनमें जो कार्बन एटम्स हैं दे आर लिंक्ड टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। लिख लेते हैं यहां पर द हाइड्रोकार्बन in which the carbon atoms are linked with each other and form रिंग, ठीक है, इसे हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक वो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एटम, और फिर ये भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि वो ओपन है या नहीं, ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट एंड लास्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि सारे कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक है और एक रिंग बना रहे हैं। इस तरह के कार्बन इस तरह के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन को हम क्लोज चेन भी कहते हैं, एक और नाम भी देते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं दे दूं आप लोगों को, देखिएगा जनाब, फॉर एग्जांपल ये अगर आप देख लें गौर से, सो वी हैव CH2 एंड देन CH2, दे आर दीज आर द CH2 ग्रुप्स व्हिच आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहां कहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन एटम, देयर इज नो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम, ठीक है। और दूसरी बात यह कि सारे कार्बन लिंक होने के बाद एक रिंग बना रहे, रिंग जो हम पहनते हैं आप कह रहे हैं कि हाथ में पहन लेते हैं, ठीक है, इस तरह की रिंग डेवलप कर रहे हैं, इसका नेम है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब मुझे लगता है कि मैंने जो आप लोगों को टास्क दिया था वो आपने पूरा कर लिया होगा, आपने वो टेबल जरूर याद कर लिया होगा जिसमें कि आपने देखा था चार कार्बन वाले को ब्यूटेन ही कहते हैं। सो चार कार्बन वाला ब्यूटेन है, और साइक्लो का वर्ड इस बात के लिए लगाया है कि आपको शो हो जाए कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में यही ब्यूटेन जो था वो स्ट्रेट चेन भी देखा था जिसमें हमने एन ब्यूटेन राइट किया था, ठीक है। सो ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए साइक्लो का वर्ड यूज किया है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे आप, ठीक है जी, यह है बेंजीन, याद रखिएगा ये बेंजीन है। तो जब भी हमारे पास ऐसा हो कि कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक्ड हो एक दूसरे के साथ, एक रिंग की फॉर्मेशन करें, ठीक है, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, इनको हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। अब ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड, दे आर फर्दर क्लासिफाइड, दे आर फर्दर डिवाइड इनटू द डिफरेंट टू टाइप्स, और वो है होमोसाइक्लिक और एक हमारे पास आएगा हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है और कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। तो नहीं जनाब, हम चल रहे हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो कि है हमारे पास होमो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिनको हम क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये, इतना गौर से देखिएगा। हम कहते हैं कि अच्छा ये याद रखिएगा, ये जो जब हम वर्ड होमो राइट करते हैं ना, इसका मतलब ही सेम होता है, ठीक है। सो वो टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कैरी ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन एटम, सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम, यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स, दे आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। राइट करें जनाब, द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स in which consist of only which consist of same type of atoms that is carbon atoms, ठीक हो गया। यानी कि वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने हो, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम होमोसाइक्लिक कार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इवन इसका एक और नाम भी हो सकता है कार्बोसाइक्लिक, इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। वाई दे आर कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल एक रिंग बनाते हैं, ठीक है, और रिंग टाइप के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। That is why they are called as carbocyclic as well, homocyclic as well as carbocyclic. Example जो मैंने अभी quote की थी आप लोगों के लिए close chain के अंदर, exactly वही example यहाँ पर हम quote कर सकते हैं to justify this statement, ठीक है। एक example मैं write करता हूँ आप लोगों के लिए, just like अगर आप देखें कि पांच CH2 groups आपस में जुड़ रहे, ये ले जनाब, अब इस पर आप गौर करें, पांच वाले को याद करवाया था पेंटेन कहते हैं, और ये पांच वाला जो है ये चूंकि पेंटेन कहलाता है, और चूंकि इसमें पांच के पांच कार्बन एटम लिंक है इन साइक्लिक फॉर्म, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन इसे कहेंगे, ठीक हो गया। रिंग जानते हैं आप लोग, जैसे अपने लास्ट नेम कहा था, बेंजीन की बात की थी, वो भी हमारे पास होमो या कार्बोसाइक्लिक बेंजीन कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से छोटा भी हो सकता है, ये तीन कार्बन एटलीस्ट जो है वो भी एक रिंग बन सकती है उसकी, ये ले जनाब, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं भी साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन कहेंगे। सो आप देख रहे हैं इस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा, यानी कि रिंग के इनसाइड की बात कर रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं वो रिंग का हिस्सा नहीं है, वो कार्बन के साथ एसोसिएट है आउटसाइड द रिंग, लेकिन रिंग के अंदर जो कनेक्टिविटी बनी हुई कार्बन कार्बन की तरह बनी हुई, ठीक है। तो सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल ये रिंग्स हैं, दैट इज व्हाई दीज ऑल रिंग्स आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक रिंग और कार्बोसाइक्लिक रिंग, इनको हम कहते हैं, ठीक है जी। सो कार्बोसाइक्लिक पे बात की है, अब कार्बोसाइक्लिक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंटू एरोमेटिक एंड एलीसाइक्लिक। सो एरोमेटिक को डिफाइन कर लेते हैं जनाब, उसके बाद जाएंगे टूवर्ड्स एलीसाइक्लिक, जिसको नॉन बेंजेनिक या हम कह सकते हैं नॉन बेंजोनॉइड साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, उनको डिफाइन करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और फिर जाएंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो वी हैव फर्दर टू टाइप्स ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हमने होमो की बात की थी, तो फर्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अब ये कौन से होते हैं, हम कहते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं कि जो एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग कैरी करते हैं, दीज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यहां पे द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन At least one benzene ring. ठीक है, जो कम से कम एक बेंजीन रिंग कैरी करती हो, जैसे कि इट्सेल्फ बेंजीन रिंग है,
ठीक हो गया। इसको मतलब सिंपल राइट कर लेते हैं, आपको समझ ना आए शायद, ये भी वैसे जो है बेंजीन को शो करने का ही मेथड है, ये है बेंजीन। ठीक हो गया। नेफ्थलीन इसको हम कहते हैं, दोनों कंपाउंड बेंजीन रिंग कैरी कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किसकी जो है क्लास है, ये होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लास है। इसी में हम एक और देखते हैं, और वो हमारे पास है बी, जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, सेकंड क्लास हमारे पास आ जाती है, जिसको हम एलिसाइक्लिक भी कहते हैं और बेंजोनाइड नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहेंगे, नॉन बेंजोनाइड साइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक ठीक है जी। अब अगर आप इस पे गौर करते हैं तो हम क्या कहेंगे, द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ठीक है, द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन नो बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग जिसमें ना हो, ठीक है, जिनमें बेंजीन रिंग ना हो, इसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोनॉइड साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अभी मैंने एग्जांपल आपको दी थी, साइक्लोब्यूटेन अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, साइक्लोप्रोपेन, तो ये कौन से हैं, इनमें कहीं भी आपको रिंग नजर नहीं आ रहा, यानी बेंजीन रिंग नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इनको हम नॉन बेंजोनाइड या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये तमाम डेफिनेशन विद एग्जांपल समझ आ चुकी है। अब हम लास्ट अपने टॉप की तरफ मूव करेंगे, जिसको हम हेट्रोसाइक्लिक का नाम दे रहे थे, उसको डिफाइन करते हैं और उसकी एग्जांपल लेते हैं और लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। सो वी हैव सेकंड टाइप व्हिच इज हेट्रोसाइक्लिक। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं जरा देखिएगा, हेट्रो का वर्ड होता है डिफरेंट को शो करता है, डिफरेंट को शो करता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ रिंग बट हैव वन अदर देन कार्बन एटम एलिमेंट इनसाइड द रिंग, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। यहां डेफिनेशन राइट कर लें, द साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन One atom other than carbon inside ring, ठीक है, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये हेट्रो का वर्ड होता ही डिफरेंट को शो करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल अगर आप देख लें, सो वी हैव थायोफीन, ठीक है जी, अगर आप इस पे गौर करें, सो ये थायोफीन है और इसमें आप देख भी रहे हैं कि इसमें रिंग जो है दैट कंटेन सल्फर व्हिच इज अदर देन कार्बन एटम, ठीक है। इसी तरीके से वी हैव पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है, ये हमारा
नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें कि आप देख रहे हैं द रिंग कंटेन्स एट लीस्ट वन एटम विच इज अदर देन कार्बन एटम, ठीक है. सो इसको हम पिरिडीन कहते हैं, ये थायफीन है. सो होपफुली आपको ये तमाम के तमाम डिफरेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इनकी समझ आई होगी, इनकी एग्जाम्पल्स की समझ आई होगी. जहां आपको लगे प्रॉब्लम है थक करके एक मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा कैंपस ऐप पे. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.